हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नर्सिंग विद नेहा में। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मैनेज एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया को कैसे मैनेज किया जाता है। एक्लेम्शिया को मैनेज करने के लिए दोस्तों हम एक एक्लेम्शिया ट्रे या एक्लेम्शिया बॉक्स प्रिपेयर करते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको और हर एक चीज़ का उसको आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दूंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्लेम्शिया किसे कहते हैं। व्हेन प्री एक्लेम्शिया कॉम्प्लिकेटेड विथ ग्रैंड माल सीजर्स दैट इज जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जन्स एंड और कोमा इज कॉल्ड एक्लेम्शिया। सपोज़ आपके पास एक प्री एक्लेम्शिया पेशेंट है जिसे अचानक से कन्वल्जन्स आने लगते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प, आपको अपने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है और किसी अदर नर्सिंग स्टाफ को आपको हेल्प के लिए बुलाना है। सेकेंड चीज़ है, आप पेशेंट का सर्कुलेशन चेक करेंगे, उसके लिए आपको पल्स, ब्लड प्रेशर और SpO2 चेक करना है। हमें उसके हाथ और पैरों की उंगलियों का टेम्परेचर और कलर चेक करना है। ब्लू, पिंक, पेल और मॉटर्ड एक्सट्रीमिटीज़ कैन बी इंडिकेटिव ऑफ पुअर सर्कुलेशन। देन हमें उसका एयर वे ओपन करना है, हमें देखना है कि एयर वे में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। कई बार हम एक्लेम्शिया पेशेंट में लॉक जॉ की प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे टंग बाइट भी होता है, तो इसके लिए जो प्लास्टिक के ओरल एयर वे होते हैं हम वो इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम पैडेड टंग ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं। एयर वे ओपन करने के लिए हम पेशेंट का हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करेंगे। देन हम ब्रीदिंग चेक करेंगे, इसके लिए हमें तीन चीज़ें याद रखनी है, लुक, लिसन एंड फील। हमें नॉर्मल ब्रीदिंग जो रेट है वो पता है, होता है 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट। एक्लेम्शिया पेशेंट में हम रिस्क ऑफ पल्मोनरी इडिमा भी देखते हैं, यहाँ हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हम आते हैं पोजीशन पे, पेशेंट को हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, इसका इम्पोर्टेंस आपको पता है। इट इम्प्रूव्स वेनस रिटर्न एंड अलाउ फॉर द बेस्ट ब्लड फ्लो टू द फीटस, यूट्रस एंड किडनीज। बट यहाँ एक्लेम्शिया पेशेंट में हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। अगर पेशेंट के माउथ में कोई सिक्रेशन है, वोमिटस है, तो वो उसे एस्पिरेट ना कर ले, इस रिस्क को हम घटाने के लिए उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। अगर ऐसा कोई सिक्रेशन वगैरह है तो हमें सक्शन करना है स्टैट। इन एक्लेम्शिया द चॉइस ऑफ ड्रग इज मैग्नीशियम सल्फेट। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर करने के लिए हम प्रिटचार्ट रेजिम फॉलो करते हैं। इसमें लोडिंग डोज होता है 4 ग्राम IV 20% सॉल्यूशन प्लस 5 ग्राम IM 50% सॉल्यूशन गिवन इनटू ईच बटक्स। ये जो आप मैग्नीशियम सल्फेट का एक एम्पूल देख रहे हैं, इसमें 2 ml का है ये, इसका डोज है 1 ग्राम और इसका कंसंट्रेशन है 50%। तो आपको लोडिंग डोज देने के लिए टोटल 14 एम्पूल्स MgH4 की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको 10 एम्पूल्स इक्वल्स टू 10 ग्राम आपको 5-5 ग्राम दोनों बटक्स में IM देने हैं और IV देने के लिए आपको 4 ग्राम्स इक्वल्स टू 4 एम्पूल आपको 20 ml की सिरिंज में लोड करना है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें जो IV देना है उसकी कंसंट्रेशन आप देखिए कि 20% चाहिए आपको, तो इसमें आप 4 एम्पूल MgSO4 लेंगे प्लस 12 ml आपको NS लेना है। इस तरह से आपका जो है 20% का सॉल्यूशन तैयार होगा। इसको आपको 3 से 5 मिनट में स्लो IV पेशेंट को देना है। मेंटेनेंस डोज देने के लिए हम 5 ग्राम MgSO4 हर 4 घंटे में अल्टरनेट बटक्स में देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इज कंटिन्यूड फॉर 24 आवर्स आफ्टर द लास्ट सीजर और डिलीवरी, विच एवर इज लेटर। मैग्नीशियम सल्फेट की डोज़ रिपीट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे पेशेंट में नी जर्क प्रेजेंट होने चाहिए, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, रेस्पिरेशन जो रेट है वो 12 पर मिनट या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब जो है हम मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सीरम मैग्नीशियम लेवल होता है वो 4 to 7 MeQ पर लीटर होता है, जो थेरेप्यूटिक लेवल है एक मैग्नीशियम का। अगर पेशेंट में मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है
तो सबसे पहले है लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, सेकंड है डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन रेट लेस देन 12 पर मिनट, थर्ड है यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर। अगर पेशेंट में मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है तो सबसे पहले हमें जो मैग्नीशियम थेरेपी है मतलब उसके जो मेंटेनेंस डोज हैं हमें स्टॉप कर देने हैं। सेकंड जो है हमें याद रखना है कि जो मैग्नीशियम का एंटीडोट है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट है। हमें कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml 10% सॉल्यूशन IV स्लोली देना है। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैंने जो कुछ भी ये नॉलेज आपके साथ शेयर किया है वो मेरा खुद का प्रैक्टिस बेस्ड है, और मैंने आपको जो कुछ बताया उसके लिए मैंने DC दत्ता की बुक प्रेफर की है। सो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।